देखिएगा, पैट एग्ज़ाम से रिलेटेड यूपी SSSC का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, पैट का, उसके GK के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं यहाँ पर बिना टाइम इन्वेस्ट किए। अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे GK से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाकर के पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हर प्लेलिस्ट में आपको 30 से 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये जो टेस्ट होने वाला है 50 नंबर का या 50 क्वेश्चंस का होने वाला है, GK का टोटल, GK GS से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे पहला है क्वेश्चंस वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल्म पाथरे पांचाली के संगीत के निर्देशक कौन थे। तो इसके निर्देशक कौन थे ये बताना है आपको। तो ये सत्यजीत रे थे, पाथरे पांचाली के निर्देशक। ठीक, नेक्स्ट है, आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, पाथरे पांचाली जो सत्य रहेंगे दोस्तों, जैसे सत्य था, सत्य सत्यजीत का मतलब है सत्य की हमेशा विजय होती है, तो सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही द्रौपदी का नाम जो बना था दोस्तों पांचाली रखा था। क्या रखा था? पांचाली। तो जो सत्य की जीत जब होती है, जब पांचाली जिनके साथ होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सही है, चाहे पत्थरों से मारो उसको, चाहे पत्थरों से मारो, पाथरे का मतलब है चाहे पत्थरों से मारो, पर सत्य की जीत होती है रे जिसके साथ पांचाली होती है। सत्य की जीत होती है रे के साथ पांचाली होती है, चाहे पत्थरों से मारो उसको। तो पाथरे पांचाली के जो निर्देशक हैं वो सत्यजीत रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार किस वर्ष में प्रविष्ट हुआ। में नोबल पुरस्कार किस वर्ष में प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट का मतलब है किस वर्ष से अर्थशास्त्र में आपको पुरस्कार दिया जाता है। तो 1969 में, कितने में? 1969 से नोबल पुरस्कार प्राप्त होता है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है यहाँ पर? रंग भेद के विरुद्ध। ठीक है, आपका रंग भेद के विरुद्ध जो है आपका आंदोलन किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद के विरुद्ध। नेक्स्ट है, नोबल पुरस्कार की प्रथम मुस्लिम महिला विजेता कौन है, जिसने नोबल पुरस्कार जीता था और वो मुस्लिम थी और प्रथम महिला थी, तो वो कौन थी? सिरनी इलाटी, सिरनी इलाटी करके दोस्तों, इलादी। ठीक है, नेक्स्ट है, राडार के आविष्कारक कौन थे। वैसे ये रेडार होना चाहिए, राडार के आविष्कारक कौन थे, तो आपको बताना है इसके आविष्कारक कौन थे। AH टेलर एवं लियो सिंह यंग, ये थे इसके आविष्कारक जिन्होंने रेडार दिया था। जो यंग होगा और जो टेलर यानी कि जो सिलना जानता होगा वही तो आविष्कार करेगा, तो AH टेलर और लियो सिंह यंग इन्होंने आविष्कार किया था रेडार का। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में अंग्रेजी पर समाचार पत्र किसने शुरू किया था ये बताना है। तो ये किया था JN हिक्की ने। किसने किया था? JN हिक्की। तो हिक्की भैया, जो हिक्की देता है, हिचकी देता है, वही अंग्रेजी बोलता है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, हिचकी दे देकर अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। क्या? हिचकी दे देकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा JN हिक्की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1790 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था। 1779 ईस्वी में आपके फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उसका मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्र भारत। सही है, नेक्स्ट है, एवं समानता, ये नारा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत सदस्य राष्ट्रीय नहीं है। तो किसमें भारत जो है उसका सदस्य राष्ट्रीय नहीं है ये बताना है। तो ये है एसन में भारत जो था सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केंद्र स्टार्स सैटेलाइट ट्रेसिंग एंड रेंजिंग स्टेशन स्टार्स कहाँ पर है। तो स्टार्स कहाँ पर है ये बताना है। तो स्टार्स है कबलूर में, जो तमिलनाडु में है। कहाँ? जो तमिलनाडु में है वहाँ स्टार्स है। तो स्टार्स कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में मिलेंगे, कबूल करके। इस तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सर्विस में चुने गए पहले भारत का नाम क्या था। जो सबसे पहला भारतीय था और वो सिविल सर्विस में चुना गया था, उसका नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो टैगोर टाइगर जैसा होगा, सत्य बोलेगा, वही तो सिविल सर्विस में जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले भारत का सिविल सर्विस में जाने वाला कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। मतलब जो सत्य रहेगा और टाइगर के समान अपना काम करेगा, वही भारतीय सिविल सर्विस में जाएगा। इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। आर सी क्लर्क पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है ये बताना है। तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है ये? श्रीलंका का। आर सी क्लर्क पुरस्कार जो है श्रीलंका का है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। जो ब्राज़ील देश है उसकी मुद्रा बतानी है आपको, क्या है? क्रूजेरा। क्या है? क्रूजेरा। सही है, जहाँ पर कूड़ा जाएगा वही तो बिजली गिरेगी। सही है, ब्राज़ील बिजली, क्रू मतलब कूड़ा, जा मतलब जा रहा है, तो जहाँ कूड़ा जा रहा है वहीं बिजली गिरेगी या बिजली से सफाई होगी। तो इस तरीके से ब्राज़ील
उसका जो आपकी मुद्रा है वो क्रूजेरा है। क्या है? क्रूजेरा। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं अपने इस टेस्ट में। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके के टेस्ट के लिए आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बैलिस्टिक, तो बैलिस्टिक जो मिसाइल था उसको बनाने वाले का नाम था वर्नर वॉन ब्राउन। वर्न हर वॉन ब्राउन, तो वर्न का मतलब बनाना, ब्राउन का मतलब होता है आपको पता ही है दोस्तों कलर, तो जो कलर बनाएगा वही तो मिसाइल बनाएगा, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कैगा, तो कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। भैया कौ 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 करते रहते हैं, कर्नाटक जाएंगे कौ कौ, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम परमाणु ऊर्जा बनाएंगे, कौ कर्नाटक, कौ कहाँ? कर्नाटक। और कैग, कैग मतलब का हुआ क्या करता है? कौ यानी कि कौ कौ, और परमाणु से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं उनकी ऊर्जा। इस तरीके से कर सकते हो कि कैग यानी कि कौवा कर्न कर्न करता रहता है, या फिर कौ कौ करता रहता है और परमाणु ऊर्जा से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस तरीके से कैग परमाणु ऊर्जा कर्नाटक में कोरिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको इस तरीके से कोरिलेट करना अच्छा लगता है या समझ में आता है तो दोस्तों चैट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को। सही है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? एक एक करके जुड़ करके, जुलाई मतलब जुड़ करके विश्व की जनसंख्या बढ़ी है। एक एक मतलब 11 का मतलब हो गया, एक एक करके जुड़ करके विश्व की जनसंख्या बढ़ी है, यानी कि 11 जुलाई जुड़ करके मतलब जुलाई में आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पुलित्ज़र पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? पुलित्ज़र किससे संबंधित है ये बताना है, पत्रकारिता से। किससे? पत्रकारिता से। भैया जो पत्रकार होते हैं वो बहुत पुलकित होते हैं, वो पुरस्कार लेते रहते हैं, पुलित्ज़र पुरस्कार लेते रहते हैं पत्रकार। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? तो गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? पिकनस ने सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया था पिकनस ने। सही है, पिक मतलब उठाना, नस मतलब होता है नसों से, तो नसों से उठा देती हैं वो गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ब्रूसली की लड़ने की कला क्या थी? तो ब्रूसली की लड़ने की कला क्या थी? कुंगफू। तो वो कुंगफू से लड़ता था, उसकी जो कुंगफू था, चाइनीज था दोस्तों ब्रूसली, तो वो कुंगफू से लड़ता था, उसकी लड़ने की कला थी कुंगफू। क्या थी? कुंगफू। पावलो पिकासो की कला शैली क्या थी? पावलो पिकासो की शैली क्या थी? क्यूविज्म। नेक्स्ट है, हैरी पॉटर श्रृंखला का लेखक कौन है? यानी कि हैरी पॉटर किसने लिखी है ये बताना है। आपको पता होगा कि हैरी पॉटर एक तरीके का वेब सीरीज है या नाटक है, तो वो किसने लिखा है? जे के रॉवलिंग ने लिखा है हैरी पॉटर। क्रोना किस देश की करेंसी है? क्रोना किस देश की करेंसी है ये बताना है आपको, तो यह स्वीडन की। क्रोना यानी कि करोना कहाँ हो गया? स्वीडन में क्रोना करेंसी कहाँ की है? स्वीडन की। सीधा लिंक कर सकते हो आप आसानी से। 22 नंबर का है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है ये बताना है, तो किस में दी जाती है आपको? याचिंग में, यानी कि नौका दौड़ में। याचिंग बोलते हैं नौका दौड़, यानी कि नाव चलाने वाला। नेक्स्ट है आपका 23, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो वो है इंडिया गेट। कौन सा है वो? इंडिया गेट। नेक्स्ट है यहाँ पर, इटली ग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इटली ग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बुर में। कहाँ पर? पेरम्बुर में। तो इटली के कोच सब पैरों में रहते हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, इटली कोच फैक्ट्री पेरम्बुर में। नेक्स्ट है 25 नंबर का, चंडीगढ़ का वास्तविक लेक कॉर्बुज़िएर किस देश का नागरिक था? तो किस देश का नागरिक था दोस्तों? ये फ्रांस का नागरिक था। कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है? कूना किसकी है दोस्तों? कुवैत की। तो कूना मतलब कुवैत कहाँ रहता है? कोने में। कुवैत देश कोने में रहता है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। कुवैत देश में समाचार मिला है कि वो कोने में रहता है, तो कूना किसकी है समाचार एजेंसी है? कुवैत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इस वीडियोस में एटलीस्ट हम 50 क्वेश्चंस फुल एंड फाइनल करेंगे दोस्तों। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाइएगा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो 2020 में सबसे पहला शतक किसने लगाया था? क्रिस गेल ने। भाई दोस्तों शरीर इसका पूरा हैवी है, सांड की तरह है, आपको याद ही होगा। मैं केवल आपको कोरिलेट करने के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ पर 2020 हो जाता है बिल्कुल जब क्रिस गेल का बल्ला चलता है। तो नेक्स्ट है 28 नंबर का है, कॉमनवेल्थ खेल
कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं दोस्तों? तो हर चार वर्ष में आपके कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, हर चार चार वर्ष के बाद। नेक्स्ट है, पहले ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहले ओलंपिक खेल जब शुरू किए गए थे तो किस वर्ष शुरू किए गए थे, यानी कि ओलंपिक खेल स्टार्ट कब से हुए थे? तो 2012 से ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, लागो किस देश की राजधानी है? क्या है, लागो किस देश की राजधानी है? नाइजीरिया की राजधानी है दोस्तों, लागो किसकी राजधानी है? नाइजीरिया की। नेक्स्ट है यहाँ पर बीजक, क्या है दोस्तों? नेक्स्ट बीजक, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, बीजक का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो बीजक के रचयिता कौन है दोस्तों? इसमें से कबीरदास। कौन है बीजक के रचयिता? कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अटलांटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला बनी थी तो उसको क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता जो थे दोस्तों वो देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आप कमेंट्स में बताएंगे। 34 नंबर का देखेंगे, भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, जो भारत ने भेजा था सबसे पहले अंतरिक्ष में, वो कौन सा पहला उपग्रह था ये आपको बताना है। तो सबसे पहला उपग्रह भेजा था दोस्तों भारत ने आर्यभट्ट। क्या भेजा था? आर्यभट्ट, सबसे पहला उपग्रह। नेक्स्ट है 35 नंबर का, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रभारी है, तो कौन है वर्तमान में प्रमुख प्रभारी? विश्व व्यापार संगठन। कौन है? विश्व व्यापार संगठन है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो जर्मनी ने किस पर आक्रमण किया था? पोलैंड पे। सबसे पहले जर्मनी ने कहाँ किया था? पोलैंड, यानी कि पोल खोल दी थी दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने। इस तरीके से याद कर सकते हो, पोल खोल दी थी सबसे पहले, सही है, किसने खोली थी? जर्मनी ने पोलैंड की पोल खोल दी, पोलैंड पर आक्रमण किया था सबसे पहले जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध में, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चाइनामैन शब्द का संबंध किससे है? तो चाइनामैन का संबंध है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट 38 नंबर का, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता हैं, तो परमवीर चक्र सबसे पहले किसने लिया था या किसने जीता था? तो कैप्टन गुरबचन सिंह ने। किसने जीता था? कैप्टन गुरबचन सिंह ने। नेक्स्ट है 39 नंबर का, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? शतरंज का खेल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? शतरंज का आविष्कार किया था भारत में। किसमें? भारत ने। नेक्स्ट है डी टी एच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? जिसने DTH को प्रक्षेपित किया था उस उपग्रह का नाम क्या था ये बताना है। तो वह इंस्टा 4A। क्या है? इंस्टा 4A। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, देखिएगा और 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। 41 नंबर का है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में तो कितने सदस्य होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र जिसका विकास भारत में ही किया गया था वह कौन है दोस्तों? पृथ्वी। क्या है वह? पृथ्वी। नेक्स्ट है G15 निम्नलिखित देशों का समूह है, G15 में कौन कौन से देश आते हैं ये बताना है आपको। तो सारे विकासशील देश जो हैं वो सब G15 में रखे गए हैं, सब किसमें? G15 में सारे विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर किसकी पुस्तक है ये बताना है आपको। तो किसकी पुस्तक है? वी एस मिन्हास की पुस्तक है प्लानिंग एंड द पुअर। 45 नंबर का है, किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो किस खेल में प्रदान की जाती है दोस्तों? रग्बी में प्रदान की जाती है आपकी वेब एलिस ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रशासन है? तो किस समूह का प्रशासन है ये बताना है, तो हिंदू समूह का। 47 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है कि किसका नाम है दोस्तों? ओलंपस पर्वत का नाम है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया और जिसका अर्थ पर्वत होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो कौन सा देश है यहां पर? इसराइल लिखा है लेकिन है ये इसराइल। कौन सा देश है दोस्तों? इसराइल।
नेक्स्ट है आपका स्टालिन ग्राद किस नदी के किनारे स्थित है, स्टालिन ग्राद किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है आपको, तो यह है बोलगा के, किसके, बोलगा के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, अपरकट शब्द किस खेल में, अपरकट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो किस खेल में प्रयोग किया जाता है, बॉक्सिंग में प्रयोग किया जाता है अपरकट। इसमें आप सीधा कोरिलेट कर सकते हैं, बॉक्सिंग करते करते तेरी ऊपर के बाल काट दूंगा यानी कि अपरकट कर दूंगा, तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है अपरकट शब्द। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं।